हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल अशिन। आज फ्रेंड्स हम एंड्रॉइड टीवी में कैसे स्क्रीन मिररिंग करते हैं उसी के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका सोनी का एंड्रॉइड टीवी है, जो आपका जीसी कंपनी का भी एंड्रॉइड टीवी है, सभी में आपका ये ऑप्शन काम करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत करके लास्ट तक देखिए। जीसी टीवी में आपका स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऐसे तरीके से आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉइड टीवी में स्क्रीन मिररिंग के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले फ्रेंड्स, आप इंटरनेट कनेक्ट कर दीजिए, जो आपका हॉटस्पॉट है कि लैन कनेक्शन है, कुछ भी है, तो आपका उसी के थ्रू से आपका इंटरनेट पहले कनेक्ट कर दीजिए। देन फ्रेंड, आपका ईमेल आईडी भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो आपका साइन इन करना पड़ता है, जो आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आपका उसी में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं मेल आईडी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा मेल आईडी रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी इंटरनेट भी कनेक्ट हो गया, मेल आई भी रजिस्ट्रेशन हो गया। उसी के बाद फ्रेंड्स, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो है गूगल होम। और फ्रेंड, ये आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जो मोबाइल में जाके प्ले स्टोर में जाके गूगल होम मारेंगे उसी के बाद वो आप डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी का सेटिंग कर देते हैं। इसी में भी आपका मेल आईडी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो टीवी में ही मेल आईडी गया था वही सेम मेल आईडी इसी में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे मेल आईडी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और जैसे फुल प्रोसेस कर रहा हूँ उसी से आप प्रोसेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा मेल आईडी रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी कुछ ऑप्शन मांगेगा अलाउ के लिए, जो आपका वाईफाई के लिए अलाउ मांगेगा और लोकेशन और आपका ब्लूटूथ, तीनों ऑप्शन का आपको अलाउ ही करना है। डीएक्टिव करेंगे तो नहीं कनेक्ट होगा, अलाउ ही करना है। उसी के बाद मैं जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा हूँ वैसे ऐसे प्रोसेस कीजिए, उसके बाद आपका स्क्रीन मिररिंग सेटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेल आईडी रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी आपका जो वाईफाई जो कनेक्ट किया था जो टीवी में, उसी नेटवर्क से आप मोबाइल भी कनेक्ट कर लीजिए। आप ओपन करने के बाद आपका एक मीडिया का बटन दिखाएगा, मीडिया के बटन को दबाएंगे, उसी में आपका म्यूजिक वीडियो के जैसा ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे आपका ब्राविया जैसा आपका एलईडी आएगा। जैसे मेरा सोनी का एलईडी है तो मेरा ब्राविया का मॉडल नंबर आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, उसका नीचे आपका ब्राविया का सिग्नल आ गया, एलईडी सिग्नल आएगा, उसी के अंदर टैप करेंगे, उसी के अंदर ही आपका स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन मिल जाएगा।
जब भी आपका स्क्रीन मिररिंग टैप करेंगे उसी के बाद आपका मोबाइल हो जो आपका टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। टीवी से कनेक्ट होने के बाद वो आपका स्क्रीन मिररिंग हो जाएगा, जो आपका मोबाइल में देखेंगे वो आपका टीवी में ही चलेगा। उसी से क्या है, आपका जो भी यूज करेंगे वो आपका मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये आपका सोनी टीवी का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी का अनबॉक्सिंग मैंने किया हुआ है तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका सोनी का एंड्रॉइड टीवी है, जो आपका जीसी कंपनी का एंड्रॉइड टीवी है, सभी में आपका ये ऑप्शन काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एमआई का मोबाइल था, इसी से मैं स्क्रीन मिररिंग कर रहा था। आप जिसी मोबाइल से चाहें उसी मोबाइल से आप डाउनलोड करके ये यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना था वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।